फ्रेंड्स देखिए ये पोर्चुला का प्लांट है, कितना सुंदर लग रहा है। इसको धूप की बहुत ज़रूरत होती है और ये किसी भी छोटे डब्बे में या छोटे से कप, आपके बहुत सारे रिटायर हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट इसको तोड़ तोड़ करके आप लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये फैलता है। इसका जड़ ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए आप कोई भी छोटे से डब्बे में, गमले में, पॉट में, किसी भी बर्तन पर लगा सकते हैं। ये देखिए 9 बजिया भी कहते हैं इसको, 9 o'clock प्लांट भी कहलाता है। और ये धूप इसको बहुत ज़्यादा चाहिए। और अगर इसकी खाद की बात करें तो इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ पानी ही डालती हूँ। अगर इसमें सरसों के खली, सरसों के तेल की जो खली होती है उसको भिगा के 2-3 दिन सड़ा करके उसका पानी डालें तो इसमें बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। वो बहुत अच्छा, सब भी फूलों के लिए बहुत अच्छी खाद है ये, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। सरसों के तेल की खली का खाद बहुत ही अच्छा होता है। और ये 9 बजिया प्लांट देखने में खूबसूरत लगता है, बहुत इजीली हो जाता है सभी चीज़ें।